नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी आपके लिए ला रहा हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान और उसका 3D वेंटिलेशन हमने बनाया था, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह प्लान तो है, प्लान जो हमारे पास क्लाइंट का आया था वो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। उसका 3D वेंटिलेशन हमने बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लान की तरफ बढ़ने से पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिज़ाइन्स हम लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, क्लाइंट का प्लान था, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, 33 फीट बाय 48 फीट में यह पूरा प्लान बनाया गया था। तो इसी टाइप में यह प्लान हमारे पास 3D वेंटिलेशन के लिए आया था। तो इसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा। 48 फीट जो है हमारा लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 48 फीट है और 33 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद में लगभग 3 फीट की गैलरी यहाँ पे छोड़ी गई है। ये जो है इस साइड में एक रोड बताया गया है और ये जो है इस साइड में भी एक रोड बताया गया है। तो ये जो प्लान है ये साउथ फेसिंग है, मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है ये साउथ है और ये जो है ये नॉर्थ है। तो ये जो है साउथ के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये ईस्ट के ईस्ट फेस में यहाँ पे मेन डोर बताया गया है। तो ये शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। ये प्लान जो है हमने नहीं बनाया था, हमारे पास 3D वेंटिलेशन के लिए आया था, तो जिन्होंने ये प्लान बनाया उसे हम ये क्रेडिट देते हैं। देखिए, ये जो है इस साइड में रोड है और ये जो है इस साइड में रोड है। रोड से हम जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए एरिया मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे ये स्टेप चढ़ के इस वरंडे पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। 12 फीट बाय 18 फीट 6 इंच का इस लिविंग रूम का साइज़ है, मतलब 12 फीट बाय 18 फीट 6 इंच का। यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक डोर बताया गया है ये स्टेयर केस यूज़ करने के लिए। यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है, देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगी और इससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चल जाएंगे। और ये जो स्टेयर केस के नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे हम स्टोरेज के लिए ये जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाहर से भी यहाँ पर एक चैनल गेट रहेगा तो यहाँ से हम ये जगह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं और स्टेयर जो है यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है, तो इनका आना जाना जो रहेगा वो बाहर से ही रहेगा यहाँ से, ठीक है। और हमको यूज़ करना है तो हमें जो है यहाँ पे एक डोर बताया गया है। तो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन प्लान बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 फीट बाय 18 फीट का एक किचन दिया गया है और एक दो विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे। तो किचन कम डाइनिंग है, मतलब किचन जो है यहाँ पे है और डाइनिंग जो है यहाँ पे है। और एक स्टोर रूम भी एडजस्ट किया गया है लगभग 7 फीट बाय 4 फीट का। उसके बाद में हम एंट्री करते हैं लिविंग रूम से। ये जो है पोर्शन यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का पोर्शन है, यहाँ पे टॉयलेट बताया गया है और यहाँ पे जो है यूटिलिटी के लिए स्पेस बताया गया है। तो ये जो यूटिलिटी स्पेस है ये बाथरूम भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप बाथरूम भी बना सकते हैं और इसको वेंटिलेशन जो है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक पूजा रूम भी एडजस्ट किया गया है 4 फीट 4 इंच बाय 4 फीट का, ठीक है। और यहाँ पे एक बेडरूम बताया गया है 11 फीट बाय 12 फीट का और यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम बताया गया है लगभग 15 फीट बाय 12 फीट का। और इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम बताया गया है लगभग 4 फीट 4 इंच बाय 7 फीट का है। और इस बेडरूम को एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को इस साइड में विंडो दिया है। तो ये जो है इस टाइप में लगभग 33 फीट बाय 48 फीट में पूरा प्लान उन्होंने बनाया था। काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन प्लान बनाया था। ग्राउंड फ्लोर का प्लान जो है सेम फर्स्ट फ्लोर पर रिपीट किया गया है। अब इसका 3D वेंटिलेशन भी हमने किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3D वेंटिलेशन जो है हमने इस टाइप में बनाया था। और इसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है इस साइड में ये जो है फ्रंट साइड है और ये जो इस थोड़ा सा आपको साइड व्यू बताया गया है। यहाँ पे गैलरी बताई गई है और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन और सिंपल सी डिज़ाइन हमने दी है। वॉल कंपाउंड पे भी काफ़ी बेहतरीन और सिंपल सा डिज़ाइन दिया है।
तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है डिज़ाइन का काफ़ी बेहतरीन और बनाने की कोशिश की हमने है। और कॉर्नर हाउस प्लान है, कॉर्नर प्लॉट है, तो देखिए कॉर्नर के हिसाब से हमने काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन बनाई है। और ये जो है एक कलर ऑप्शन है और ये भी एक कलर ऑप्शन है, काफ़ी अलग सा और सिंपल सा कलर ऑप्शन है। और इसका भी एक व्यू बताया गया है, एक फ्रंट है और ये जो है साइड व्यू है। और ये भी एक कलर ऑप्शन है, एक बेहतरीन सा कलर ऑप्शन है। देखिए वॉल टाइल्स यूज़ की है यहाँ पे, और इसका भी ये साइड व्यू है, और ये भी एक कलर ऑप्शन है, बेहतरीन सा कलर ऑप्शन है। लगभग हर कलर ऑप्शन जो है हमने काफ़ी बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। तो इस टाइप में ये पूरा 3D फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया था। आशा करता हूँ कि ये जो 3D डिज़ाइन है, ये फ्रंट एलिवेशन है घर का, आपको पसंद आया है और समझ में भी आया है। तो अगर आपको भी प्लान किया डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर हमारे नंबर दिख रहे हैं, हमारे ऑफिस के नंबर है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपका प्लॉट का डिटेल दे सकते हैं, या आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सेंड कर सकते हैं। हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे चॉइस के हिसाब से आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लान्स या डिज़ाइन बना के दे देंगे। लेकिन इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी ना किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो प्लीज़ ये वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। और अगर आपको भी प्लान किया डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट भी ज़रूर करेंगे, आशा करता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।